ये बात तो सभी को पता है कि जुकाम एक ऐसी बीमारी है, ना आदमी को उठने देती है, ना आदमी को बैठने देती है, ना आदमी को लेटने देती है, ना आदमी को सोने देती है, आदमी को कुछ भी नहीं करने देती। एक जुकाम एक ऐसी बीमारी है। इससे अच्छा तो बुखार होके और निकल जाए वो बेस्ट रहता है। और इसी बीमारी से पीड़ित हम आपको एक इंसान के दर्शन करवाने पसंद करेंगे। अभी हम करवाते हैं अभी आपको दर्शन, जो कि रजाई ओढ़ के सोने की कोशिश में। और मैंने अभी बताया ना, जुकाम सबसे बुरी हालत कर देता है आदमी की, ना इधर का छोड़ता ना उधर का छोड़ता। और इसी के साथ अभी हम करते हैं हमारे नए व्लॉग की शुरुआत। वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। और उम्मीद करेंगे कि आज ये जुकाम ठीक हो जाएगा, दवाई दे दी गई है बुखार ना हो इसके लिए। और बाकी देखते हैं, जो भी शाम तक पता लग जाएगा। अभी मैं और रोमियो आए हुए हैं बाहर घूमने के लिए, और काफ़ी दिनों के बाद हम रोमियो के ऊपर बाहर घूमने की वीडियो बना रहे हैं। और जो हमारे रोमियो का एक दोस्त था, एक तो ब्राउन कलर का डॉगी है और एक ब्लैक कलर का जो था, वो कल एक्सपायर हो गया है हमारे घर के पास में। एंड रोमियो के एक दोस्त की कमी हो गई है इस दुनिया में। बहुत दुख हुआ हमें, रोमियो को भी बहुत दुख हुआ, टिंगू को भी। बेचारा निराश होकर बैठा है टिंगू भी। अभी लाएंगे टिंगू को भी घुमाने, और अभी मैं इसको ले चलता हूँ। घुमान तो मैं इसको दिया है, बस अभी वापस घर ही जा रहे थे हम। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके दोस्त की खबर आप लोगों से शेयर की जाए। आज है ना तेरी एक एक 100 ग्राम जलेबी लाने के चक्कर में ना मैंने पूरी भिवानी का चक्कर मार दिया। यहाँ से मैं गया मैम गेट, मैम गेट से मैं गया आसी गेट, आसी गेट से गया मैं दिनोद गेट, दिनोद गेट से गया मैं पतराम गेट, पतराम गेट से वापस आया मैं मैम गेट, और वहीं मैम गेट पे आखिरी में वो जलेबी मिली, और वो भी खट्टी। हंसने की जरूरत नहीं है, वाकई वो खट्टी थी। और ये बीमार आदमी अब ब्लॉगिंग कर रहा है लेटे लेटे। हेलो एवरीवन, बहुत तबीयत खराब है। आज शाम को जलेबी खाने की बहुत इच्छा हुई थी। सिनेरियो भी ये है, मम्मी ने बना के दिया था मुझे बेसन का हलवा, जो लोकल जो रेमेडीज होती है उनके अंडर। सो अभी खा के मैं उसको, नॉट लोकल, होममेड रेमेडीज। हाँ हाँ, मतलब लोकली जो हम फॉलो करते हैं चीज़ें वो वाली, तो उसको करके मैं ऐसे करके अभी 1-1.5 घंटे से मुंह ढक के लेटी हुई थी। सो खूब पसीना वसीना मुझे आया है, अभी 1 घंटा हो चुका है। अभी मैं लूँगी स्टीम, गीज़र ऑन कर दिया है बाथरूम में। सो पानी लेके स्टीम लेके एक बार फिर सोंगी, और पेन किलर ले लिए इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ। अब पेन किलर लेने से पहले मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी। चलो बस इतना ही था मेरे पास अभी। गाइज लाइक ज़रूर कर देना वीडियो। अरे कम से कम बीमार आदमी की तो रिक्वेस्ट मान लिया करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके विचारे के लिए कम से कम ये तो लिख दो कि वो क्या गेट वेल सून। मैं बोल रहा था रिप नहीं, गेट वेल सून से हम काम चला लेंगे, बस इतना ही बहुत है। तो अभी मैं तो देखने जा रहा हूँ आईपीएल का मैच। और मन की बात बाहर आ गई, रिप बुलवाना चाहती हूँ मेरे लिए। अरे नहीं, मैं असल में क्या है, किसी का वो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, कोई एक्सपायर हुआ है तो उसके लिए लिखा हुआ था रिप। और हाँ याद आया, जो 2021 में जो सेकंड वेव आई थी ना इसकी कोरोना वायरस की, तो उसके लिए आज फेसबुक के ऊपर किसी ने हैशटैग चलाया हुआ था कि जो भी लोग उस टाइम पे एक्सपायर हुए हैं उन लोगों के लिए एक कैंपेन चलाया। उस कैंपेन में था तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा था, तो मैंने भी उसको लाइक किया और वहाँ पर लिखा है कि आप जो भी जिन लोगों के भी फैमिली मेम्बर्स इस टाइम पे नहीं रहे उन लोगों के लिए हमने भी थोड़ी सी अपनी सांत्वना जताई है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग